सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्वेट, और हमने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम बताया कि नेचुरल स्वेट हाइपर हाइड्रोसिस नॉर्मली क्यों होता है, लेकिन स्वेट ज्यादा आना कम आने से आपको क्या प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि जो गंदी बदबू आती है वो बॉडी के किस बीमारी में आ सकती है। और ऑब्वियसली पसीना तो सभी को आता है, नेचुरल है, एक्सरसाइज करते समय स्ट्रेस एंजाइटी या ब्लशिंग करते समय आपको आ सकता है किसी प्रकार के इस प्रकार के सिचुएशंस में। और अपने आप में स्वेट में कोई ओडर नहीं होता, हमने बताया बैक्टीरिया के साथ मिलके अंडर आर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, उसके अलग अलग प्रकार के स्वेट ग्लैंड्स हैं, उसके बारे में भी डिस्क्राइब कर चुके हैं हम, राइट। और कभी कभी स्वेट से बॉडी ओडर जो आता है उसमें सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आता है, और इस सोर्स का, बॉडी ओडर के सोर्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं। उसके बारे में मेन दो तरीके के सिंड्रोम, दो तीन प्रकार की बीमारियां। नंबर वन इज अ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, वेरी कॉमन। डायबिटिक पेशेंट्स में होता क्या है, रॉटन एप्पल स्मेल आती है, रॉटन एप्पल कीटोटिक स्मेल आती है, राइट, कीटोन ब्रेथ जैसी स्मेल आती है, कभी सांस से भी ब्रेथ आती है, स्मेल आती है उनके। सो इसमें क्या होता है, डायबिटीज का अगर ठीक ना करें तो डायबिटीज के अंदर आपकी शुगर जो है खून में घूमती रहेगी, सेल्स में नहीं जाएगी, सेल्स भूखे बैठे रहेंगे, आपके अंदर शुगर खून में घूमती रहेगी, ऑर्गन्स डैमेज करेगी, तो सेल्स कीटोन्स बनाएंगे फैट इस्तेमाल करके, और उस समय कीटोन्स बॉडीज कीटो एसिडोसिस होगा, बॉडी के सेल्स में खून में कीटोन बॉडीज बढ़ते जाएंगे, और आप बिकॉज आपकी बीमारी इंसुलिन से है, इंसुलिन या तो नहीं बन रहा या तो इंसुलिन आपका रेजिस्टेंट हो गया, इस वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आपका फैट बर्न होगा एज अ फ्यूल, उसके वजह से आपके अंदर कीटोन ज़्यादा आ जाएंगे, कीटोन लिटरली आपके स्मेल में, आपकी सांस में से निकलेंगे, तो वो कीटोन ब्रेथ बोलते हैं, वो एक एरोमा, डिस्गस्टिंग सा एरोमा जिसमें कि रॉटन डीकम्पोजिंग एप्पल का जैसे आता है उसका एक स्मेल आती है, राइट। ये रीज़न है जहाँ पर आपके बॉडी ओडर में भी स्मेल आ सकती है इस प्रकार की। यूरिन में, ब्लड टेस्ट में भी हमें फिर आपका कीटोन्स मिलते हैं यूरिन में भी, ब्लड टेस्ट में। सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस अपने आप में एक कारण हुआ गलत स्मेल का। फिर ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपको अपना ब्रश करना है, टीथ की मुँह से आ रही है स्मेल करना है, ब्रश और फ्लॉसिंग करनी है डेली, पानी खूब सारा पीना है मुंह के माउथ ऑब्वियसली, और शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर से मिलके मेडिकेशन एडजस्ट करनी होगी। द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन इज स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस इज अ बिग कारण जिसके वजह से एक्सेसिव पसीना आता है, और सबसे कॉमन टीनेजर्स में होता है जिनको हॉर्मोन्स इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, और स्ट्रेस के वजह से आपको बहुत ज़्यादा पसीने के नॉर्म हाइपर हाइड्रोसिस एक कारण है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए डीप ब्रीदिंग, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, राइट, 8 घंटे की नींद, सही टाइम पे खाना, ये बहुत ज़रूरी है। देन द थर्ड थिंग इज समथिंग कॉल्ड एज फिश ओडर सिंड्रोम, राइट, मच्छी की स्मेल आती है बॉडी से। जी हाँ, इसमें क्या है, एक कॉमन डिजीज है ट्राईमिथिल एमिन यूरिया, टमाऊ, TMAU, ट्राईमिथिल एमिन यूरिया एक कॉमन कंडीशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर से मच्छी की स्मेल आती है, फिश ओडर आता है, थोड़ा रेयर है, राइट। इसमें एक एंजाइम होती है, एक फ्लेविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजनेज 3, FMO3, ये एंजाइम नॉर्मली जो ट्राईमिथिल अमीन है उसको मिथिलमाइन ऑक्साइड में प्रोड्यूस कर कन्वर्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये नहीं है इस वजह से ट्राईमिथिल ऑक्साइड जमा होते रहता है, उसकी वजह से एक फिश जैसी स्मेल आती है स्वेट से, मुंह से फिश और फिश जैसी। इसको नेचुरली ट्रीट किया जा सकता है, आपको कुछ प्रकार के खाने पीने से दूर रहना होगा, जैसे कि जिसमें कोलीन हो, जिसमें कार्निटीन, नाइट्रोजन या सल्फर हो, जैसे कि फिश और एग्स। सो मच्छी और एग्स से दूर रहना होगा, और एंटीबायोटिक्स जो है वो कम करने, अगर कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो उससे भी दिक्कत हो सकती है। 85% केसेस जो इसके केसेस हैं उनको सक्सेसफुली ट्रीट किया गया था कई बार कुछ प्रकार के ट्रीटमेंट से, एक तो चारकोल ट्रीटमेंट, दूसरा कॉपर क्लोरोफिलिन ट्रीटमेंट है, उसमें बॉडी ओडर कम होता है, वो कैसे यूज़ करना उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से पहले कंफर्म करें आपको यही बीमारी है या नहीं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी की तरह एक सेकेंड भी होता है ट्राईमिथिल एमिन यूरिया 2, जो भी एक टाइप की है वो हेरिडिटरी नहीं है। तो ये सारी रेयर बीमारियाँ, मोस्ट कॉमन क्या है, डायबिटीज, सेकेंड सबसे कॉमन स्ट्रेस,
तो स्ट्रेस से आपका पसीना ज़्यादा आ सकता है। इसको मैनेज करने के लिए 6 सिंपल घर पे होने वाले स्टेप्स याद रखिएगा। एक तो अपने आप को हमेशा क्लीन रखना है, दिन में एक बार या दो बार कम से कम नहाना है, मुंह ब्रश करना है दिन में दो बारी, बहुत ज़्यादा हैवीली नहीं, आराम से फ्लॉश करना है। जब भी नहाएंगे एंटीबैक्टीरियल सोप से नहाएंगे, ठीक है। हाइजीन मेंटेन रखना है अपने बगलों में और अंडर पैंट्स के पढ़ाई के बीच में, वहाँ पे पसीना नहीं आने देना है, सूखा रखना है। पसीना आएगा तो वापस नहा लीजिए या उसको ड्राई करिए। यू कैन यूज टैल्कम पाउडर, डर्मिकुल पाउडर, वट एवर यू वॉन्ट टू रिड्यूस दैट स्वेट देयर। टॉवल अच्छे से यूज, जब भी नहाते हो उसको अच्छे से ड्राई करना है उस एरिया को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जितना ड्राई होता है उतना बैक्टीरिया का ग्रो होना मुश्किल होता है। और एंटी परस्पिरेंट या डिओड्रेंट जो लेते हैं उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड वाला लें, उससे पसीना कम आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड से, और उसको मॉर्निंग इवनिंग दो बार लगा सकते हैं, राइट। और प्रिस्क्रिप्शन वाले एंटी परस्पिरेंट भी आते हैं जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ले सकते हो। उसके अलावा कपड़े, एक बार पसीने से लथपथ हो गए उसको धोना है, उसको बार बार नहीं पहनना है, कपड़े क्लीन पहनने हैं। और कुछ प्रकार के खाने पीने की चीज़ें जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, स्पाइसी तीखी चीज़ें या फिर अनियन गार्लिक वाली बहुत मसाले वाली चीज़ें कम खानी है, उससे के बॉडी में पसीना ज़्यादा आता है। हाई प्रोटीन फूड भी थोड़ा कम खाना है एक टाइम पे, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लोली स्टेबल रहे, ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्पीड में हो और फिर आपको पसीना खूब सारा है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप पसीना हैंडल कर सकते हैं। इसके बावजूद नहीं हो रहा है, गो एंड गेट चेक विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन। ऑलराइट, और कोई सवाल है ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।